हेलो ऑल, इसकी पिछली वीडियो में हमने DDL से रिलेटेड जितने भी कमांड थे उनको एग्जीक्यूट करके देखा था। इस वीडियो में मैं DML डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज के जितने भी कमांड है उनको एग्जीक्यूट करके बताऊंगी। सो DML होता क्या है? DML कमांड्स दैट डील विद द मैनिपुलेशन ऑफ द डेटा प्रेजेंट इन द डेटाबेस, और ये होते हैं इंसर्ट, सेलेक्ट, अपडेट और डिलीट। सेलेक्ट स्टेटमेंट आपको पता ही है, डेटाबेस डेटा को सेलेक्ट करने के लिए यूज होता है, और वैसे ही हम इंसर्ट इनटू यूज करते हैं डेटा इंसर्ट करने के लिए। यहाँ पर मैं आपको इंसर्ट क्वेरी और इंसर्ट स्टेटमेंट का यूज बताती हूँ। इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय, और यहाँ पर आप अपनी वैल्यूज देंगे। वैल्यूज यहाँ पर मैं एक और, मान लीजिए मेरा ये जो एम्प्लॉय टेबल है इसमें मैं एक और एम्प्लॉय का डेटा एंटर करना चाहती हूँ, तो यहाँ पर मैं कुछ इस तरह से एंटर कर सकती हूँ। और नेम में हम ये दे देते हैं और यहाँ सेमी कोलन लगा के एंटर करेंगे, तो ये हमारा एक और डेटा इंसर्ट हो गया है। इसको मैं आपको एग्जीक्यूट करके बताती हूँ। सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लॉय, और ये देखिए एक और नेम 6 ID, और ये एंटर हो गया है। तो ये एक सिंपल यूज है इंसर्ट कमांड का। नेक्स्ट है हमारे पास अपडेट, अपडेट स्टेटमेंट। अपडेट स्टेटमेंट जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है डेटा को अपडेट करने के लिए यूज होता है। इसका सिंटेक्स आप देख सकते हैं यहाँ पर, इसमें हमें लिखना होता है अपडेट टेबल नेम सेट कॉलम नेम, और हमें जो भी अपने कॉलम नेम देना है वो वेयर कंडीशन। तो एक एग्जांपल के लिए तरह मैं आपको इसमें यूज करके दिखाती हूँ। अपडेट टेबल नेम एम्प्लॉय, कॉलम नेम मान लीजिए मैं नेम ही सेट कर देती हूँ, नेम अपडेट अपडेट टेबल नेम सेट कॉलम नेम, मुझे अपने नेम को चेंज करना है। सेट नेम इज इक्वल्स टू, यहाँ पर मैं अपना नेम दे देती हूँ, मान लीजिए मैंने यही जो 6 है इसको नेम को चेंज करके मुझे यहाँ पर करना है शुभम। सो अपडेट टेबल नेम सेट कॉलम नेम, और उसका वैल्यू वेयर कंडीशन में आप वेयर लगाएंगे तभी तो पता चलेगा कि कौन से कॉलम में आप नेम को शुभम करना चाहते हैं। तो वेयर ID is equals to 6, enter। ये आपका execute हो गया है। इसको मैं आपको run करके बताती हूँ। Select asterisk from employee, और ये देख सकते हैं आप 6 ID पे जहाँ हमारा दीपक नेम था वहाँ शुभम हो गया। ये एक सिंपल से यूज है अपडेट कमांड का। नेक्स्ट है हमारे पास डिलीट। डिलीट स्टेटमेंट भी हम देख चुके हैं पहले भी। डिलीट स्टेटमेंट सिंपली हमारा उस रिकॉर्ड को डिलीट करने के लिए हेल्प करता है। मैं इसी आईडी को आपको डिलीट करके दिखाती हूँ। डिलीट, इसका सिंटेक्स देख लेते हैं पहले। डिलीट फ्रॉम टेबल नेम वेयर और फिर कोई कंडीशन। तो सपोज डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर, किस कंडीशन पे आप डिलीट करना चाहते हैं, कौन सा डेटा आप डिलीट करना चाहते हैं। वेयर आईडी इज इक्वल्स टू 6, ये एग्जीक्यूट हो गया। इसे हम फिर से सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लॉय करके देखते हैं हमारे टेबल में क्या चेंजेस हुए। तो ये देखिए वो जो 6th आईडी का शुभम और हमने जो डेटा एंटर किया था वो डिलीट हो गया। तो ये सिंपल यूजेस हैं आपके DML कमांड्स के, जो कि हैं इंसर्ट, अपडेट और डिलीट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।